9 देखिए, बगल के चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है, एंगल बी ए सी बराबर में 30 डिग्री है, एंगल बी ए सी बराबर में 30 डिग्री है, तो नीचे दिए गए कोणों के मान हमें निकालने हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो हमें निकालना है एंगल बी ओ सी, बी ओ सी जो केंद्र पर बना कोण है, तो इसका तो यह दो गुना हो जाएगा, और फिर निकालना है एंगल सी डी ई, सी डी ई यानी ये वाला बाह्य कोण निकालना है। चलिए देखते हैं दोनों, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें झमेला है नहीं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह बी ओ सी जो होगा ना दो गुना हो जाएगा एंगल बी ए सी, तो कैसे, तो वही लिखना, एक ही चाप द्वारा, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, केंद्र पर बना कोण, बना कोण, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर के कोण का, परिधि पर के कोण का दो गुना होता है, दो गुना होता है, एंगल बी ओ सी जो होगा दो गुना होगा एंगल बी ए सी का, बी ए सी का यानी 30 का, यानी 60 डिग्री आ जाएगा, बी ओ सी आपका 60 डिग्री हो गया, एंगल बी ओ सी जो है आपका 60 डिग्री हो गया। चलिए, तो ये इसके ए नंबर के लिखा, अब बी नंबर